विभाग से त्रस्त बुजुर्ग दिव्यांग बेटी के साथ बैठा धरने पर मुरादाबाद बिजली विभाग के खिलाफ एक उम्रदराज व्यक्ति अपनी दिव्यांग बेटी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि प्रदेश सरकार की योजना के तहत जारी किए गए कनेक्शन भी 2 दिन बाद उखाड़ लिया गया। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में पेड़ के नीचे बैठकर योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे ये बुजुर्ग व्यक्ति अमरोहा गेट मियां साहब वाली गली निवासी विपिन रस्तोगी हैं और बराबर में इनकी दिव्यांग बेटी भी बिजली विभाग द्वारा की गई करतूत की शिकायत प्रदेश के मुखिया योगी तक पहुंचाने के लिए बैठी हुई है। इनका आरोप है कि विगत जनवरी 2019 में प्रदेश की सौभाग्य योजना के अंतर्गत उन्हें 1 किलोवाट का दिया गया था, फिर अगले ही दिन कागजों में गड़बड़ी बताकर बिजली कनेक्शन हटा दिया गया। इन पीड़ितों का आरोप क्षेत्रीय लाइनमैन नेमचंद्र पर है। इन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति ने उनसे 2000 रुपए भी ले चुका है लेकिन अभी तक बिजली तक नहीं जोड़ी गई है। इस बात को 1 साल से अधिक का समय हो चुका है लेकिन विभाग के अधिकारी भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी गर्मी में वो बिजली के बिना जी रहे हैं और आखिरकार आज मुरादाबाद प्रशासन के दरवाजे पर आकर अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। नाम विपिन रस्तोगी है। कहाँ से क्या? मैं बर्तन बाजार में रहता हूँ, चाय की दुकान लगाता था, पहले नौकरी करता था। 60 साल की उम्र में कोई नौकरी नहीं दे रहा। अभी मैं जहाँ नौकरी करता था उसको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अप्रैल मई मार्च से निकाल दिया, अब नौकरी से भी निकाल दिया। अब मैं बेरोजगार हूँ और लाइट वाले परेशान कर रहे हैं, लाइट नहीं लगा के दे रहे। इतनी गर्मी में ये लड़की मेरी बेचारी कल गिर गई, चक्कर खा के गिर गई और उसको चोट भी लगी है। मगर ये बिजली वाले जो है, ये नेमचंद एक मंडी चौक में लाइनमैन है, वो पैसे मांग रहा था। मैंने जो मेरी मतलब जो मेरा जिस चीज़ों मेरा बन पड़ता था वो मैंने दे दिए और उसके बाद भी उसने जो है ज़्यादा पैसे लेके और उसने जो है ये काम हुआ। क्या है दरअसल में लाइट का कनेक्शन, ये मेरी विकलांग बेटी है इसके नाम से ये कनेक्शन लगा। ठीक है, ये कनेक्शन लगा। इस पर देखो बुक नंबर भी है, कनेक्शन नंबर भी है, इसमें आईडी नंबर भी है, सब चीज़ है। जैसे कनेक्शन लगा दिया, मीटर लगा दिया, मीटर लगाने के बाद 2-3 घंटे बाद दूसरे एक पड़ोसी से हम साझ होके पैसे लेके और इनने मीटर उतार लिया वापस और आज तक नहीं लगाया। इस समय आपके घर में लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। कितनी गर्मी में है? कितने समय से नहीं है? 8-9 महीने हो गए। जाड़ों में तो काट लिया हमने, अब गर्मी में हमसे नहीं कर रहे। गुजारा कर रहे हैं लाइट के बिना? कुछ नहीं, बिना लाइट के ही गुजारा कर रहे हैं। पंखा है, ये पंखा हमारे साथ रहता है। अच्छा, तो इस दौरान ये लॉकडाउन में भी किस तरह? ईश्वर को याद करके, इसके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। अधिकारियों से मिले, किसी से मिला? सभी अधिकारियों से मिला हूँ, सबका पेपर मेरे पास रिसीव है। क्या कहना है उनका? टालम टोल और दूसरे वालों की बात सुनते हैं, मेरी सुन नहीं रहे। जबकि मैं आपको दिखाऊं, मीटर हटाने का रीज़न क्या बताया? मीटर हटाने का रीज़न ये बताया कि ये परिसर विवादित है। जबकि परिसर विवादित था तो ये कनेक्शन क्यों आपने रिपोर्ट लगाई कि हाँ ये सही है और लगा दिया? तो विवादित परिसर पर रिपोर्ट नहीं लगती। आप इधर नीचे कर लो। आपको क्या लगता है कि क्यों हटा दिया जाए? ये पैसे लेके, पैसे लेके नहीं, क्यों? आखिरकार विद्युत विभाग आपके साथ ऐसा क्यों करना? ऐसा यूँ कर रहा है कि पड़ोस में हमारे एक जो माधव किशन रस्तोगी हैं, उनकी नियत मेरे मकान पे है और उन्होंने जो है इस योजना में शामिल होके उसके नेमचंद के साथ ये काम करा कि इसको लाइट नहीं मिलेगी, परेशान होगा, ये चला जाएगा, बता देगी सब कुछ। क्या नाम है आपका? मानसी रस्तोगी। अच्छा, क्या परेशानी क्या है, क्यों बैठे हो आज आप? पता नहीं ना,